अभी माता जी इधर बहुत ध्यान से सुन रही है, मुझे लगा माता जी मुझे देख रहे, बहुत ध्यान से सुनते सुनते, बेटे ने खाना खाया कि नहीं, पति खाना खा के गया कि नहीं, ये कौन सोच रहा है? देखेंगे तो ध्यान से मुझे सुन देख रहे हो, कौन बुद्धि खाली है, बुद्धि भटकती है। तब कहा जाता है ध्यान दीजिए, ध्यान कहां से लेके आओ, बुद्धि, बुद्धि ग्रहण कर पड़ी। तो सब कहा बाबा ने आके, शिव बाबा ने, बच्चे मन बुद्धि को एक करो। तो कैसे करो, मन प्रश्न करता, आपका मन है, मेरा मन है, बुद्धि भी मेरी है, इन दोनों को कैसे जोड़ो? तो मन पूछता मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती, हाँ कल बाबा ने बताया था, बहन जी ने कोर्स करते समय बताया था कि मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा, एक अंगुली जुड़ गई, सही बताया था, मैं कौन, तुरंत बुद्धि से जवाब आना चाहिए, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। दूसरा, मेरा रूप, हाँ तुरंत बुद्धि कहेंगे, हाँ उस दिन दीदी ने बताया था, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं, ऐसे दिखाई देगा, हाँ ऐसे करके दिखाई नहीं देता भाई जी, टीवी में दिखाई देता है, हाँ इधर नहीं अंदर है, ठीक है। ये संकल्प, मन कृष्ण करता मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। दूसरा, मेरा रूप, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। तीसरा, मेरे गुण, दैवी गुण और आसुरी गुण है, काम क्रोध लोभ आसुरी गुण है, आत्मा के सात गुण है, एक एक गुण पूछ लो। मेरे गुण, हाँ जब मैं परम धाम से आया था सृष्टि पर, कितना पवित्र था बाबा, आज नहीं मुझे ऐसे पवित्र बनना है, मैं पवित्र स्वरूप जो था पहले, अभी नहीं अभी बनना है। मैं जब परम धाम से आया था कितना शांत था, अभी नहीं हूं, अभी अशांत हूं, गुस्सा आता है, बाबा मुझे आपके जैसे, जैसे मैं परम धाम से आया इतना शांत शीतल था, ऐसे मुझे बनना है। जब मैं आया था क्यों आए थे, सुख भोगने के लिए आए थे, दुख भोगने के लिए कोई नहीं आया, सुख स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप, आठ शक्तियां थी, सहन करने की, समाने की, निर्णय करने की, परखने की, ये याद थी, अभी नहीं है, अभी लेने जाना है। मार्केट में क्यों जा रहे हो, सब्जी लाने का जा रहा हूँ, नमक लाने जा रहा हूँ, परम धाम में क्यों जा रहे हो, बाबा को याद क्यों कर रहे हो, ये चीज चाहिए।